वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साड़ी अज की वीडियो विच असी छे पो बारे जानकारी प्राप्त करांगे। मुगल राजे अते पहाड़ी राजे गुरु साहब की वधदी हुई लोकप्रियता नूं बर्दाश्त ना कर सके, इसलिए उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के गुरु साहब खिलाफ कन्न भरने शुरू कर दिते। मुगल बादशाह ने गुरु साहब नूं हराउण लई एक बहुत वड्डी सेना भेज दित्ती। उस सेना ने 8 महीने तक आनंदगढ़ के किले नूं घेरी रखिया। इस दौरान किले के अंदर रसद भी खत्म हो गई और सिंह बौली का पानी पी के गुजारा करते। इस दौरान वो 40 सिंह गुरु साहब नूं विदावा लिख के दे गए, जो बाद विच 40 मुक्ते कहाए। जदों मुगलों ने तरले मिनते किए कि तुसी इस किले नूं खाली कर दवो तो असी तुहानूं कुछ नहीं कहांगे, तां सिखां दे अते माता जी दे जोर देण ते गुरु साहब ने किला छड्डण लई मजबूर होना पिया। अते 6 पौ दी रात नूं सरबंसदानी धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिंघां दे ते माता जी दे कहण ते आनंदगढ़ दा किला छड्ड दित्ता, क्योंकि मुगलों ने अते पहाड़ी राजियां ने गुरु साहब नूं कुरान शरीफ अते गऊ दीआं कसमां खा के ये आश्वासन दवाया सी कि अगर तुसी अपने सिंघां नूं लै के किला छड्ड जांदे हो तां उह तुहानूं जान देणगे, तुहाडे नाल कोई भी गलत हरकत नहीं की जाएगी, तुसी आराम नाल अपने सिंघां नूं लै के इत्थों निकल सकते हो। 6 पौ दी रात नूं गुरु साहब ने अपने सिंघां दे नाल आनंदगढ़ का किला खाली कर दिता। अते जदों गुरु साहब आनंदगढ़ का किला खाली करके टिब्बी की पहाड़ी दे कोल गए अते मुगलों नूं इस गल का पता लग्या कि गुरु साहब ने किला खाली कर दिता है, तो उन्होंने पिछों आ के हमला कर दिता। सरसा नदी के कंढे ते सवेरे रासा दी वार दे दीवान सजाए गए अते उधरों मुगलों ने हमला कर दिता, तो बाबा अजीत सिंह जी ने टिब्बी की पहाड़ी को बड़ी ही सूझबूझ दे नाल मुगलों नूं रोकी रखिया। बाबा अजीत सिंह जी ने मुगलों नूं जंग विच रोकी रखिया अते सिंघां नूं अते गुरु साहब नूं सरसा नदी पार करन दा मौका दिता, पर उस समय सरसा नदी विच बाढ़ आई हुई सी ते उपरों मीह भी पै रहा सी, जिस कारण बहुत सारे सिंह खालसा खजाना अते सिख इतिहास जिस विच विद्यासागर नाम का ग्रंथ जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 20 साल लिख के पूरा किया सी सरसा नदी की भेट चढ़ गया। अते इत्थे ही गुरु साहिब का पूरा परिवार खेरू खेरू हो गया। माता जी अते छोटे बच्चे जंगल विच चले गए। गुरु साहिब बड़े साहबजादियां नाल चमकौर वल नूं चाले पा दित्ते अते माता साहिब कौर जी कुछ सिंघां नाल दिल्ली वल नूं रवाना हो गए। वह इस सरसा नदी के कंढे ते अजिहे विछड़े कि फिर कदे पूरा परिवार ना मिल पाया। सरसा नदी के कंढे ते जिथे गुरु साहब का परिवार विछड़िया उस स्थान ते उन्हां दी याद दे विच गुरद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब सुशोभित है।